अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कुछ दिनों से दोस्तों यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है। और इसी बीच गाइस मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक पे गाइस ये जो जॉनी लेवर का दोस्तों आपको डायलॉग आप सुनाई दिया आपको मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में, गाइस मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अगर दोस्तों आप इस टॉपिक पे अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाकर अभी टिकटॉक पर अपलोड करोगे तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका दोस्तों जो वीडियो है वो वीडियो वायरल होगा या फिर आपको उस वीडियो में लाइक करने के 100% चांसेस रहेंगे। तो गाइस आपको अगर सीखना है कि इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं तो गाइस मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा। गाइस मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस दोस्तों आपका लाइक बनाने में हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो ना तो मेरे में वीडियो बनाने का हौसला और ज़्यादा आता है। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों अभी कुछ इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपना लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जय सरकार उन्ना में। गाइस अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मेन कैरेक्टर का आपको एक्टिंग कुछ इस तरह से आपको कर लेनी है। इसके बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से दोस्तों टिकटॉक का एक्टिंग भी आपको कुछ इसी तरह से आपको कर लेनी होगी अपने हिसाब से। इसके बाद गाइस आपको लास्ट में आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यूट्यूब का जो एक्टिंग है आपको दोस्तों कुछ इस तरह से साइलेंट रह के कर लेनी है, जिस तरह से दोस्तों मैंने तीन पार्टों में वीडियो को शूट किया है अभी गाइस कुछ इसी तरह से तीन पार्टों में वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं गाइस वहाँ पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब गाइस आपको बीच में यहाँ पर एक न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू प्रोफाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही गाइस आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आपका जो टिकटॉक बनाने का एक्सपेक्ट रेशियो है वह आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको राइट साइड में यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस बारे मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो आपका मेन वीडियो है गाइस आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन वीडियो का आपको गाइस आपको सिलेक्शन करना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा मेन वीडियो है दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो के ऑडियो को कुछ इस तरह से आपको म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद गाइस आपको जो ये बॉक्स दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले बॉक्स में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप उसमें सिलेक्शन करेंगे आपका जो वीडियो है दोस्तों कुछ इस तरह साइड में आ जाएगा, इससे दोस्तों आपको एडिटिंग करने में आसानी होगी। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको दोस्तों राइट साइड में यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप उसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के पाँच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जो आप टिकटॉक का एक्टिंग की उस वाले वीडियो का गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले गाइस आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा है देख सकते हैं, इसको फ्रेंड्स आपको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए गाइस आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है वो गाइस आप जिस कलर के दोस्तों आप पर्दे को आप यूज़ किए होंगे उस वाले कलर का दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लेना है। और गाइस आपको यहाँ से ओके करके आपको दोस्तों इसको इनेबल आपको कर देना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे आपका दोस्तों जो वीडियो है कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करें, इसको गाइस आप कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा, सबका दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा। तो गाइस आपसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको ओके कर लेना होगा। ओके करके दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक कीजिएगा और इस वाले एरो में पकड़ के दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इसको छोटा करना है। और गाइस आपको यहाँ पर ऊपर में आपको कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर पहुँचा देना है, जिस तरह से दोस्तों मैं कर रहा हूँ अभी गाइस कुछ इसी तरह से आप कीजिएगा। कुछ इस तरह से कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको दोस्तों फिर से आपको ये जो लेयर का ऑप्शन है इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर दोस्तों आपको सिलेक्शन करना होगा और यहाँ से गाइस जो आप यूट्यूब का दोस्तों एक्टिंग किए उस वाले वीडियो को गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है।
अब गाइस हम इसी तरह से दोस्तों आपको इसका भी बैकग्राउंड को आपको गाइस कुछ इसी तरह से आपको रिमूव कर लेना है। तो गाइस मैं इसका भी बैकग्राउंड को दोस्तों कुछ इसी तरह से मैं रिमूव करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है दोस्तों ये मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब गाइस आपको इसको भी दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। सबका दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद गाइस आपको सेम उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से गाइस आपको इस वाले उंगली के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको पहुँचा देना है। कुछ इस तरह से पहुँचा देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप दोस्तों इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर गाइस आपको जो ये दोनों वीडियो के पीछे दोस्तों आपको पंख दिखाई दिए उन दोनों पंखों का दोस्तों मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले दोनों पंखों को आपको डाउनलोड कर लेना है। पहले गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको दोस्तों जो लेयर का ऑप्शन है इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना है, मीडिया पे सिलेक्शन करना है दोस्तों। और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको व्हाइट कलर के विंग्स को आपको सिलेक्शन करना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का विंग्स है दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप सेम इसी तरह से दोस्तों आप क्रोमा की में क्लिक कीजिएगा और इसका भी दोस्तों आपको बैकग्राउंड को आप कुछ इस तरह से हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको दोस्तों उस वाले विंग्स के फाइल में आपको कुछ इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आप इसी वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से छोटा कीजिएगा और दोस्तों आपको ये देख सकते हैं इस जगह पर फ्रेंड्स आपको लेते हुए चले जाना है। कुछ इस तरह से लेके जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ये थ्री डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले थ्री डॉट में क्लिक करके आपको यहाँ पर गाइस सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप इसमें सिलेक्शन करेंगे आपका जो विंग्स है दोस्तों यहाँ पर पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गाइस रेड जो विंग्स है दोस्तों उसको आपको सिलेक्शन करना है। उसके लिए गाइस आप इसी वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, मीडिया पर सिलेक्शन कीजिएगा दोस्तों और यहाँ से गाइस आपको रेड विंग्स का दोस्तों जो आप वीडियो डाउनलोड किए थे उस वाले वीडियो को गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड विंग्स है दोस्तों उसका मैंने सिलेक्शन कर लिया है। आप गाइस सेम इसी तरह से दोस्तों आप इसी तरह से क्रोमा की में क्लिक कीजिएगा और इसका भी दोस्तों आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। निकाल लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, उस वाले विंग्स को दोस्तों आप कुछ इस तरह से गाइस आप छोटा कीजिएगा और यहाँ पर गाइस आप कुछ इस तरह से लेते हुए चले जाइएगा। लेके जाने के बाद गाइस आपको सेम इसी वाले थ्री डॉट में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेंड टू बैक ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। अब गाइस आपको जो लास्ट काम करना है दोस्तों आपको इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको जाना होगा जहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर आपको टिकटॉक का लोगो दिखाई दिया और यहाँ पर गाइस आपको लोगो दिखाई दिया, उन दोनों लोगों का दोस्तों मैंने पीएनजी देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले दोनों पीएनजी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस पीएनजी को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाला लेयर में आपको क्लिक करना है और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का आपको इसी वाला मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है दोस्तों। और यहाँ से गाइस आप फर्स्ट में दोस्तों आपको जो टिकटॉक का लोगो है दोस्तों उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो टिकटॉक का लोगो है गाइस उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, इसी वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह छोटा कीजिएगा और गाइस आपको कुछ इस तरह से अपने वीडियो के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको रख देना है। कुछ इस तरह से रख लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सेम दोस्तों आपको इसी तरह से आपको लेयर में क्लिक करना है, मीडिया पर सिलेक्शन करना है और गाइस आपको यहाँ से यूट्यूब का भी लोगो का आपको सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो यूट्यूब का लोगो है दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, इसी वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह छोटा कीजिएगा और गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर रख लेना है। कुछ इस तरह से रख लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, इस वाले बॉक्स में फ्रेंड्स आप क्लिक कीजिएगा और गाइस आपको ये दोनों आपको पीएनजी के ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक आपको कुछ इस तरह से आपको कर देना है। कुछ इस तरह से कर देने के बाद गाइस अब अगर दोस्तों आपको इसका वीडियो को ऑडियो को डाउनलोड करना है तो गाइस आपको इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है दोस्तों जहाँ पर गाइस मैंने ऑडियो का लिंक दे के रखा है। ऑडियो का लिंक को दोस्तों आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑडियो को दोस्तों आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद गाइस अब अगर दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो दोस्तों अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में आपको क्लिक आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता आपको क्या करना है। अब गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।